ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। सभी को नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल। मैं आचार्य संजय। स्वाभाविक बात है, मकर राशि विगत 5 साल में जो कुछ भी प्रचंड रूप में दुख भोगे हैं, प्रचंड कष्ट भोगे हैं, जिसको समझा पाना, बोल पाना स्वाभाविक बात है कष्ट कर भी पा रहे हैं। और ये आप लोग भेजे हो, मैं खा रहा हूँ, फिर आप बोलना कि खाते नहीं हो महाराज, कृतज्ञता। आप लोग भेजे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वाभाविक बात है, तो कई सारे एपिसोड मैं इसके ऊपर बनाया और आप लोग उस एपिसोड के लिए ढेर सारे प्यार दिए, कृतज्ञता, धन्यवाद। ये चैनल जब तक रहेगा, ये किंवदंती बन के रहेगा। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का व्यूज़। आज ऐसे ही एक पन्ना, मकर राशि का किस्सा, एक दुख भरी दास्तां। मकर का 7:30 में किसी एक सज्जन के साथ ऐसा ही कुछ। हालांकि ये इसके ऊपर मैं कई सारे वीडियो दिया हूँ, लेकिन आज का जो किस्सा है, आप सभी के 7:30 का दुख से कई गुना, हजार गुना ज़्यादा बड़ा ऐसा लगा। और ये विगत 5 साल से नहीं, 6 साल से खून का आंसू इस व्यक्ति को रुला डाला। और मेरे उन कई सारे चंद वीडियो से, चंद एपिसोड से प्रेरणा पाके यह व्यक्ति मेरे पास बहुत शरणापन्न होके प्रार्थना की कि मुझे इस प्रकार के चक्र व्यूह से, इस प्रकार के कीचड़ से, इस प्रकार के नरक से निकालिए। नेचुरली मकरूह है और आज के डेट में बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, और उसके बावजूद भी मुझे रिक्वेस्ट करके, जो आदमी आज रोड में है, कहाँ रहेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, जहाँ कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट के चक्कर में सब कुछ हाथ से चला गया, उसको ऐसे ही गलत गुरु मिले, गलत गाइडेंस दिए, गलत ऐसा लोग मिले, और उन गाइडेंस के कारण आज के डेट में उसके पास धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, चोर चपेट, एक्सीडेंट, रोग, रिपो, ऋण, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, यानी शनि के 7:30 का हर कष्ट झेल चुका है। दरिद्रता से लेके ऋण के अंदर से पढ़ने तक। लेकिन बहुत खुशी का बात है, ऐसे मेरे पास कई सारे मित्र बोलते हैं, गुरुजी हम लोग हारे नहीं हैं। मैं बोला ये है मकरू, एग्जैक्ट। बहुत से लोग बोले हम मायूस नहीं हैं, हम आत्महत्या का बात नहीं कर रहे हैं, आप जैसे बोलते हो YouTube में, बाकी लोग आपके पास मैसेज करते हैं। ऐसे लोगों को मेरा सलाम है, सलूट है, नमस्कार है, कृतज्ञता है, धन्यवाद है। मैं आपको क्या प्रेरणा दूँ, मैं आपको क्या मोटिवेट करूँ। सच कहूँ, आप जैसे लोगों से मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ, मेरे अंदर और ऊर्जा आ जाता है। जब
मैं भी कभी कभार हारता हूँ ना, तो आप जैसों का बात मेरा दिमाग में याद आता है और फिर बोलता हूँ उठो चलो और लड़ना है और करना है। यह मत देखो कि कितनी दूरी मग है, चलते रहना ये ही मेरा कर्म है। तो चलते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ वीडियो, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का ढेर सारा विश्वास। सोचो, किसी का विश्वास है तो 12,000 दे दिया, किसी का विश्वास है तो 3,000 दे दिया यज्ञ के लिए। जानता है कि आचार्य संजय नहीं खाएगा, उसके यज्ञ पीठ तक पहुँचेगा। किसी का कुछ नहीं हुआ तो 500 भी दिया, 50 भी दिया। मैं नाम तक नहीं लिया उनका यूट्यूब में, गुप्त दान है, गुप्त रहने दो, उनका पुण्य उन तक मिले। और उनका विश्वास है, मैं मेरे गुरुजी को बोल रहा था कि उनका विश्वास है आपके ऊपर कि आप हवन करेंगे और करोड़ों का प्रॉपर्टी पड़ा है गुरुदेव, और अगर इस छोटा सा इनके सहायता राशि से, वो लिखे भी नीचे सहायता राशि है, दान नहीं, आपके यज्ञ का सहायता राशि है। तो मैं गुरुजी को बोला था, गुरुजी बड़े सहर्ष से आशीर्वाद दिए आपको साहब, जो लोग भी 50 भी दिए और 3,000 भी दिए और 12,000 भी दिए और 500 भी दिए, और गुरुदेव बोले मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा। हालांकि वीडियो में सामने आते नहीं हैं तो मैं लाता भी नहीं, और हवन चालू है अभी, आज दूसरा दिन है। तो बाप मेरे, चलिए हमारे मूल मुद्दे पे फिर चलते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति का किस्सा है जो मकर के 7.5 के दौरान भोगा, उम्र दराज था, 50-55 था। तो बोला गुरुदेव जानते हो, ये एक बार नहीं भोगा, मैं दो दो बार भोगा। पहला 7.5 90-95-96-99 तक भोगा, अब दोबारा भोग रहा हूँ, लेकिन वो था मेरा गर्लफ्रेंड के रूप में और ये है मेरे बीबी के रूप में। मैं बोला यस, शनि के 7.5 में, पहला 7.5 में जो घटता है, दूसरा 7.5 में आसपास ऐसा ही या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी में घटता है। उस समय उम्र कम रहता है तो शनि बाबा आपके साथ खेल खेलते हैं, और जब सेकंड होता है तो फिर ठोकाई पड़ता है, तो आपको ठोकाई पड़ गया। बस गुरुदेव ये बताइए कि इस केस से निकल पाऊंगा नहीं। बोला चैलेंज, निकलोगे बेटा, 100% निकलोगे, सब निकले हैं, तुम भी निकलोगे, धनों वाले भी निकले हैं, बिच्छू भी निकले हैं, तुलू वाले भी निकले हैं, कन्या वाले भी निकले हैं, बाघ शेर सिंह लोग भी निकले हैं, क्योंकि मैं उतना देर वो सिंह के 7.5 से डील कर रहा हूँ। तो उनका जहाँ 7.5 ख़त्म होता है तो निकलते हैं, फिर मिलते हैं, बाकी उनका दुर्भाग्य है तो अलग हो जाते हैं, अलग बात है, सुधरते नहीं है बोल के। फिर उनका हाथ से मिला हुआ चीज़ छिन जाता है उनके दुर्गुण के कारण, उनके अवगुण के कारण, उनके कठिन वाणी के कारण, उनके ग्रहों के कारण यहाँ नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपने वाणी को नहीं जानते हो, कुत्ता जैसे भौंकना सीखे हो, तो कौन पति या कौन पत्नी काहे आपका इतना चलो ठीक है, इस विषय को काहे लें। तो बाप, मैं इनका कुंडली आज बड़े गहराई से विश्लेषण किया, और मैं उनको जो जो बोला एग्जैक्टली वही बात वो स्वीकार किए। कुंडली देख के मैं उनको रिपोर्ट दिया, बताया ऐसा कुंडली जिसका होता है, यानी जिसके कुंडली में शुक्र डैमेज, जिसके कुंडली में शुक्र हाईली कंबस्टेड, जिसके कुंडली में शुक्र 3, 6, 8, 12, 11 जैसे स्थिति में पाप ग्रह के युति में बैठा हो, स्वाभाविक बात है पाप ग्रह दृष्टि में बैठा हो। मैं थोड़ा गलत बोल गया, 12 में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली उनके कुंडली में 3 में बैठ के कंबस्टेड विथ पाप कर्तरी,
आगे केतु पीछे शनि, विथ मंगल का दृष्टि में, और उस कुंडली में गुरु भी मतलब डैमेज्ड, तो गलत गुरु मिला। जिसके कुंडली में गुरु डैमेज, उसके जिंदगी में डैमेज गुरु मिलते हैं। बकरी है तो उल्टा गुरु मिलता है, उल्टा बुद्धि देता है। गुरु पाप कर्तरी में फंसा है, ऐसा आदमी का जिंदगी पस्त, उसके जिंदगी में ऐसे ही गुरु आ जाते हैं। मतलब जो कराएगा तुझे गुरु, वो कर देगा भीख मांगना शुरू। तो उस प्रकार गुरु मिल गया, फिर कौन बचाए जिंदगी से। तो मैंने उसको बताया कि बताओ, पहला प्रेडिक्शन, तुम्हारे साथ जो भी तुम जिसे बीवी बोल रहे हो, शादी में ही गलत कुंडली दी होगी। बोला हाँ, दूसरा कुंडली मुझे बाद में मिला। ठीक है, ऐसा लड़की जो आपके ज़िंदगी में बीवी बन के आई, दूसरे को अच्छा और तुम्हें बुरा बोलती होगी। बोला एकदम करेक्ट, अपना जीजा जी को हीरो समझती थी और उसी के पास रहना चाहती थी, और मुझे भी लेके वहाँ उसके बहन के घर में रखना चाहती थी, और यहाँ तक भी उसके घर जमाई बनाना चाहते थे। बोला करेक्ट। मैं बोला ऐसा अगर कुंडली हो तो ऐसे लोगों का बीबी 100 लोगों के सामने बुला के मीटिंग उटिंग करा के पंच बैठा के इज्जत उछालती है, उछाली। बोला हाँ प्रभु, एकदम ऐसा ही हुआ। मैं बोला ऐसा कुंडली होगो और ऐसा शुक्र और बृहस्पति का स्थिति बनता रहे, तो ऐसा लड़कियाँ घूम घूम के अपने पति का बदनामी, बेइज्जती और जो नहीं बोलना चाहिए ऐसा बोलते हैं। बोला एकदम करेक्ट। मैं बोला ऐसा कुंडली हो और ऐसा मिले तो मदर फादर लेके तुम्हें गाली सुनना पड़ेगा। बोला सुना, डेली सुना। मैं बोला ऐसा हो तो, ऐसा गृहस्थिति हो तो इनको बीवी के द्वारा, पत्नी के द्वारा, नारी के द्वारा टर्चर होना पड़ता है। बीबियाँ पैर रगड़ाती हैं ऐसे होने से, बिना कुछ उनका ना पैर दर्द देना, सर दर्द देना, कमर दर्द दे, लेकिन मूव लगाते लगाते फंसते हो गए। बोला एकदम ऐसा ही है गुरुदेव, बहुत बार लगाया, बोला पैर तक घिसाऊं। फिर बोलता है, मैं उसे बोला कि देखो, ऐसा होने से, ऐसा स्थिति गृह स्थिति हो तो ऐसा कंडीशन पे जब आप लीगल वे पे किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट पे आप या पुलिस के पास उसके इसको बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे लड़कियां आत्महत्या का बड़ा धमकी देती हैं, मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, दवाई खा लेंगे, तुम्हें फंसा देंगे। जी गुरुजी, मैं ऐसा जाके केस दिया तो उल्टा मेरे नाम पे इतना दफा लगाए, डाउरी केस से लेके और जो जो हो सकता है इलीगल रिलेशन से लेके, जो मैं कभी किया नहीं, सोचा नहीं, सारा केस ठोक दी। बोला गुड, और उस दिन से केस चल रहा है। बोला ऐसा कंडीशन पे ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह में, बोला उतना ही नहीं गुरुदेव, न्यूज़पेपर में और टीवी मीडिया तक बुला के एकदम बेइज्जत मिला। बोला गुड। बोला ऐसे कंडीशन पे ये अपने सास यानी आपका माँ को, अपने ससुर को और अपने ननंद देवर इत्यादि को भयंकर बेइज्जत करते हैं, इंसल्ट करते हैं, मदर फादर का गाली देते हैं, और इनका मुंह से निकलता है कच्चा चबा जाऊंगी, गर्दन मरोड़ दूंगी, खून पी जाऊंगी, चप्पल में गू लगा कर तुम्हें पीटूंगी। बोला प्रभु, एक 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 लाइन सही बोले हैं, एक एक लाइन सही बोले। बोला सही, हाँ ठीक ठीक ठीक। मैं बोला और बताऊँ या इतना हो गया। बोला नहीं, आप तो सब समझ गए, सब जान गए। मैं बोला हाँ हाँ हाँ। मैं बोला एक बात बता, तुम्हारे आँख के सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड या वाई बॉयफ्रेंड या जेड बॉयफ्रेंड के साथ बात करती होगी और तुम्हें बोलती होगी अप एंड चैलेंज, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो इसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, उसी के पास जा रहे हैं। बोला गुरु जी प्रभु प्रणाम, एकदम सही बोले हैं। बोला हाँ सही पकड़े हो पॉइंट। चिंतित हो गए महात्मा, और मैं बोलूं उसके बाद फिर अपना दुखड़ा सुनाने लगे,
रोते रोते सुनाने लगे। मैं एक पुरुष का आँख से आंसू देखा तो नहीं, लेकिन सुनता रहा। और आज के डेट में कोर्ट में डेट के बाद डेट, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, 6 साल से कोर्ट में हाजिर दे रहे हैं। और अपने मुंह से बोले कोर्ट में तो फीमेल साइड में केस जाता है और मैं लोअर कोर्ट में हार गया और अभी फिर हायर कोर्ट में मेरा डेट है, मुझे कैसे करके इस कोर्ट कचहरी माली मकदमा से बचाइए, मैं बचना चाहता हूँ। मैं बोला एक बात और बताओ, ये जब गई होगी तो तुम्हारे घर से सोना गहना कपड़ा लत्ता और भी जो कीमती सामान हैं चोरी करके ऐसी भागी होगी कि तुम्हारे पास एक टॉवल नहीं होगा। बोला प्रभु कैसे पता चला? बोला हमरा को कैसे पता चला, तो वो ऊपर वाला को पता होगा, भांग घुट के तो ज्योतिषी बन के नहीं बैठे ना यहाँ। बोले एग्जैक्ट बोले गुरुजी। बोले हाँ एग्जैक्ट बोला, ठीक ठीक। बोला ये एकदम सब कुछ, मतलब सब कुछ 17-18 बोरी में बोरे भर के सब कुछ ले गए। मतलब उस समय आप नहीं हो गए और ऐसे कंडीशन पे हो गया कि अगर सामने आओ तो पुलिस पकड़ेगा। बोला पक्का कैसे पता चला गुरुदेव? बोला पक्का पता तो चलेगा, ऐसे थोड़ी कुंडली बांच रहे हैं। मैं जो जो बोलता गया सब कुछ बोलता गया। मैं उसको बोला जो तुम जिन्हें विश्वास करते थे या तुम जिन्हें अपना सोचते थे वही लोग उसके सपक्ष में जाके तुम्हारे विरुद्ध में गेम खेले हैं। बोला 100% गुरुजी। आगे बोला तुम्हें भोजन में मिला के कुछ खिलाई जिसके बाद तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा टेम्परामेंट बदल गया होगा और तुम भयग्रस्त। बोला ऐसा अब समझ रहा हूँ गुरुजी, आप जब बोले कुंडली देख के, उस समय समझ में नहीं आ रहा, तुम भकुआ भूत एकदम भर्म और भयग्रस्त और तटस्थ और विकल भाव। बोले एकदम गुरुजी। बोला इन कंडीशन पे ऐसा कंडीशन हुआ होगा, इतना मानसिक सदमा और चिंता और तनाव जहाँ एक ब्रेड और चाय पीने के लिए पैसा नहीं होगा। बोला पक्का विकल हो जाते होगे, मुंह से सांस जाता होगा, करते होगे। बोला पक्का गुरुजी। बोला मान गए आपको, मान गए। बोला आगे एक शब्द बोलूं या थोड़ा शर्म लगेगा? तुम्हारे ही आगे, तुम्हारे ही रूम में, तुम्हारे ही आँख के सामने, डैश डैश डैश। बोला हे प्रभु गुरुदेव चरण धूल दे तुम। बोला हाँ अभी नहीं देंगे, आ रहा है ले लेना। बोला मैं आखिरी में बोला एक बात बताओ, फिर वो लड़की के बारे में गाली देने लगे। बोला सटाप ये नहीं करना, यहाँ यहाँ फिर मैं आज ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर बन गया। तुम्हारा कुंडली है, तुम्हारा कुंडली का दोष है, तुम्हारे कुंडली के दोष के वजह से तुम्हें दंड मिल रहा है। किसी लड़की को दोष या गाली देने का अधिकार कहाँ से आया? वो तो लड़की के रूप में आया और तुम्हें दंड दे के गई, तुम्हारे कुंडली में दोष है। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा दोष है, एकदम नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे कुंडली के ग्रहों का स्थिति का दोष है, ना वो लड़की का दोष है ना तुम्हारा दोष है, ना मैं तुम्हारे तरफ ले रहा हूँ ना उसके तरफ ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दूत के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु थे, बुद्ध भगवान बन के ध्यान कर रहे थे और सब कुछ हो गया, या तुम्हारे पूर्व जन्म कृत ऐसा कोई कलुष कर्म नहीं था जिसका परिणाम ये नहीं भोगते हो। नेचुरली एक तरफा नहीं कहा जा सकता, तुम्हारा कुंडली कह रहा है। तो बाप आपके हाथ में बात है। सबसे पहला मैं आपका कुंडली का दशा, अंतरदशा, ग्रह स्थिति, षडबल आदि देखते हुए, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, बिंदु कुंडली इत्यादि देखते हुए, नवांश को देखते हुए, इतने सारे बिंदुओं को देखते हुए जो भी कहानी मैं बताया आपको, सबसे पहले ये सुनिए कि आपको उग्र नारी का दंड क्यों मिला और इसके पीछे कॉज क्या है।
बोले मैं गुरुजी 40-50-60 ज्योतिष के पास जा चुका हूँ, सब ऐसे ऐसे बोले, ऐसे ऐसे बोले, जो जैसा बोला ऐसा सब किया, इस ग्रह का शांति उसका किया, उस ग्रह का शांति ऐसा किया, ऐसा कोई पूजा पाठ जप तप नहीं है जिसका मैं नहीं किया, शुक्र के लिए जप किया, शनि के लिए जप किया, बृहस्पति के लिए जप किया, उग्र तारा का पूजा किया, काली का पूजा किया, बगला का पूजा किया, बगला माँ का पूजा किया, गणपति का पूजा किया, हनुमान का पूजा, जो जैसा बोला ऐसा कोई बाकी नहीं है, जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन सब खत्म। बोला सही बोल रहे हो प्रभु, सब तो किए लेकिन मूल चीज को छोड़ दिए कि जिस कारण ये हुआ है वो तो बताइए। जब इतना कुंडली और इतना एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो तो आधा एस्ट्रोलॉजर तो आप भी बन गए होंगे, आपको भी सारा ग्रह। बोला हाँ पता है, तो मैं जो भी गलत बोलूँ तो आप पकड़ लोगे, और यूट्यूब देखते देखते आप भी। बोला मैं आप ही को देखता हूँ। बोला सही, तो मेरे ही ज्ञान से मुझे पस्त करो एक बार। ये बताइए कि कौन सा हाउस कौन से ग्रह से ये स्थिति बन के आ रहा है। केवल शनि 7.5 को दोष दे के बचने का कोशिश मत करो। तो सीधा सीधा आ गया शुक्र के ऊपर और सीधा सीधा आ गया सप्तम सप्तमाधिपति के ऊपर। करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, लेकिन अर्ध सत्य है। यही हम सब ज्योतिष ऊपरी ऊपरी तौर पे देख के ऐसा ही बोलते हैं और ऐसा ही प्रेडिक्शन देते हैं जिसका बैकफायर होता है, ऐसा ही रेमेडी देते हैं जिसका बैकफायर होता है। और इसीलिए आप सभीों को कहता हूं कि जब मुझे कुंडली देते हो मुझे पर्याप्त समय दें। मैं भी इंसान हूं, कंप्यूटर ने कि घुसेड़ दिया और निकल गया, मेरा भी कभी कभार मनोस्थिति नेगेटिव होता है, मेरा भी अष्टम चंद्रमा होता है, मेरा भी द्वादश चंद्रमा होता है, मेरे गोचर में भी चंद्रमा कभी कभार पाप ग्रहों से गोचर करते रहता है। मेरे जिंदगी में भी चंद्रमा 2, 4, 5 में गोचर करके मुझे भी बुड़बक बनाता है। मेरे जिंदगी में भी आपको क्या लगता है दिन भर कुंडली देख के एकदम जीत जाएं? पॉसिबल नहीं है। काल बेला दुष्ट मुहूर्त गुलिक काल ये सब में कुंडली कभी भी रिजल्ट राइट नहीं मिलता। हमारा खुद का मनोस्थिति खराब है तो बंद करके रख देते हैं, भले आप लोगों से नेगेटिव सुनना पड़े, नेगेटिव कमेंट सुनना पड़े। कुछ लोग हम जानते हैं बेचारे, उनको हड़बड़ी है, क्रोधित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम रोक देते हैं, बोले रुको अभी ये काल सही नहीं है, नहीं देखेंगे। लेकिन आप लोग सुनते नहीं, मानते नहीं, आपको जल्दी चाहिए। एकदम कोई एस्ट्रोलॉजर को और कोई पंडित को कभी ये नहीं बोलना जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एक सिंगल मिस्टेक, आप सोचो हमारे ओडिशा में 1 करोड़ का सोने का घट देने वाला शनि बाबा को, 10 लाख का तेल का अभिषेक करने वाला शनि बाबा को, आखिर में जो प्रेडिक्शन दिया गया था वही गोली खा के मरना पड़ गया, बैकफायर कर गया सारा रेमेडी। इट इज़ नॉट सो ईजी। एक ज्योतिष जब भी दे बहुत सोच समझ के बहुत आगे तक, एक पूजा करने वाला पंडित या देवी बोलते बोलते खा देवी बोल दिया तो ख़त्म काम। एक ऋषि जब यज्ञ करता है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए और एक मंत्र का एक अक्षर का गलत उच्चारण कर दिया जिसमें बोलता है इंद्र के द्वारा मारे जाने वाले संतान दे दो, बस एक संस्कृत का अक्षर और मात्रा इधर उधर हो गया, गया काम से। इसलिए बाप ये ज्योतिषी विद्या है, कोई बच्चों का खेल नहीं। हमें तो समय चाहिए, और अगर मना करता हूँ तो रुक जाओ। सारा खेल लग्न पर, राशि पर, मुहूर्त के ऊपर इतना निर्भर करता है कि मत कहें। तो बाप क्या ऐसा केस सॉल्व नहीं हो सकता? हो सकता है। हमारे जीवन पे हम ऐसे कई केसेस को हैंडल किए, सॉल्व किए, डील किए। तो जो गलती ये जो 52 एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आया और सब कोई ऊपरी ऊपरी देख के अपना रेमेडी दे दिए,
और आज तक रिजल्ट नहीं पा पाया मैं, और वो कुंडली दिखा दिखा के खुद ज्योतिष बन गया लेकिन फिर भी उसको रास्ता नहीं मिला, और आखिरी में मुझे पूछ रहा है कि फिर आप बता दीजिए गुरुदेव। यस, ये मत देखो कि इंसिडेंट के पीछे, इंसिडेंट कौन कराया, सप्तम सप्तमाधिपति इंसिडेंट कराए, शुक्र निचस्त इंसिडेंट कराया, पाप ग्रह का दुष्टि इंसिडेंट के कारण है, लेकिन उसके पीछे जाओ कि ये पूरे इंसिडेंट को कराने के लिए कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो इंस्टिंक्ट एनर्जी दे रहा है अंदर से, जो रूट कॉज है, जो मूल कारण है जिसके कारण सब घट रहा है, जो प्रच्छद में है, जो किसी भी ज्योतिष को दिख नहीं रहा है, और उसको फलित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए करीब करीब और 5 चार्ट को अध्ययन करना पड़े। तो क्या ऐसा केसेस में ज्योतिषीय रेमेडी है? बोला है। क्या इन सबको हम किसी भी कंडीशन पे किसी और बिना रास्ता में एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बाहर निकाल सकते हैं? बोला हाँ निकाल सकते हैं। क्या ऐसा कुछ सक्सेसफुल केस है? मैं बोला मेरे ज़िंदगी में बहुत है, देर लगता है लेकिन होता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन? क्या ये एक ही केस है या इससे पहले और भी केसेस हैं? मैं बोला मेरे चैनल पे जाओ, उड़िया में जाओ, इंग्लिश में जाओ, हिंदी में जाओ, सादरी चैनल में जाओ, बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास, मैं डील किया हूँ इससे भी भयानक, घिनौना, घिनौना से घिनौना, जिससे कि ऐसा घिनौना केस जहाँ पति आत्महत्या करने के लिए बाध्य भी हुआ है और पत्नी को मारने के लिए बाध्य भी हुआ है और आज के डेट में जेल में है। इंसानियत शर्मसार हो जाए ऐसा भी केसेस है। तो क्या ये ग्रह कराते हैं? क्या ये भाग्य का फल है? क्या जो ग्रह दिख रहे हैं उनका दोष है? नहीं, उसके पीछे का हिस्ट्री और पूर्व जन्म का शास्त्र को भी उलटाना पड़ता है और तभी ऐसे पेचीदा केस का समाधान निकलता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन पे? सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए आवश्यक होता है संपूर्ण ग्रह शांति यज्ञ, तो एक नंबर आवश्यकता रहता है। बोला गुरुदेव पैसा ही नहीं है, करेगा कहाँ से? जिसके पास पैसा है वो बोलेगा ठीक है 50,000, आप बोलेगे 50,000 लगेगा, पंडित को इतना दक्षिणा, ग्रत आदि, ग्रत हवन साकल दिया। बोला हाँ, नहीं बचना चाहते हो तो ये चाहिए। बोला जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हूँ जहाँ पहले बिना पैसा खर्चा का रेमेडी बताता हूँ, उसके बाद खर्चा वाला बोलता हूँ। तो बिना खर्चा का जो रेमेडी है और जितना सारा यहाँ बताया हूँ हर ग्रह के बारे में, उसको करना है तो सामूहिक ग्रह शांति के लिए बिना खर्चा का बहुत सा रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। दूसरा, ये कई सारे ऐसे केसेस हैं नॉट ओनली इन एक जगह, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में देख रहा हूँ ऐसे कई सारे ग्रह युतियों के कारण ऐसे होते हैं। तो आंख बंद करके सीधा बात कहा जाता है कि नारी माने शुक्र, शुक्र माने देवी, देवी माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी ऐसे लोगों के कुंडली में स्वाभाविक रूप में इष्ट देवी प्रकोप दोष बड़ा जोर फलित होता है जो कोई भी ज्योतिष इसको दिखता नहीं है। पूर्व जन्म हो, इस जन्म हो, अपने घर के जो इष्ट देवी देवता हैं उनको लेके मंदिर में फेंक देना, जैसे आज के डेट में माता पिताओं को लेके वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में फेंक देना और डेली उनका खून का, आंसू का अभिशाप पाते रहना। किसी किसी कुंडली में पितृदोष भी इसका कारण बनता है, किसी किसी रूप में ब्रह्म साप दोष, ब्रह्मचांडाल दोष इसका कारण बनता है। तो बाप, ये पहला आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि ये कलयुग है, एक समय था पंडित 11 रुपए में काम करता था, 51 दुआना
अधली में काम करता था, आज के डेट में हर कुछ का रेट बढ़ा है, तो उसी हिसाब में सब कुछ बढ़ा है। तो ये पॉसिबल है, कईयों का केस सफलतापूर्वक हम लोग पार किए हैं। देर होता है ये निर्भर करता है कि आपके साधना और शक्ति के कारण। तो जो भी ऐसा देवी प्रकोप दोष हो, तो कभी कभार सप्तचंडी, शतचंडी, सहस्र चंडी का भी करना पड़ता है कि ये जो इष्ट देवी प्रकोप दोष है, इष्ट देवी श्रापित दोष है, इसको शांत करने के लिए। और बड़ा जरूरी होता है। और हम तो ऐसे केसेस अपने हाथ में हैंडल किए हैं और सफलता मिला है। तो पहला ग्रह शांति, चाहे उफरी हो चाहे पैसा हो, कैपेसिटी है, ताकत है, तो चंडी पाठ भी सीखना पड़ेगा। चौथा, अगर कुंडली में इस प्रकार के पितृ श्राप दोष बन रहा हो, मात्र श्रापित दोष बन रहा हो, भ्रातृ श्रापित दोष बन रहा हो, तो उनका विधि पूर्वक शांत कराना। मिलते तो जरूर हैं रेमेडियर, बड़े बड़े केस सॉल्व होते हैं, और यहाँ तक भी देखा हूँ कि वो कालखंड जाने के बाद आज उनके घर में वही पति पत्नी एक जगह में रह रहे हैं, अपने सारे गिले शिकवे भूल के, अपने को माफ़ी मांग के। और कुछ लोग नहीं रह रहे, विश्वास टूट जाता है। लेकिन यस, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल एंड पॉसिबल। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437580589, 9938727418 कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, डेट बुक करें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपॉइंटमेंट बुक करा लें। अपने तरफ से मैं फ़ोन करूंगा, आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।